Students, today we will discuss questions from the middle of the chapter. Can you see? Solve it. There are some questions. There are some questions. Okay. You have to solve it, all the questions. Clues are given in the bracket. First letter of the word. First letter of the word. Okay. So, good morning, ma'am. Good morning. Here. Good morning, ma'am. Questions you have to solve it. And clues are given in the bracket. First letter of the word. Beside all the questions, you can see some clues. Okay. So let's start. First question. You people are not, I have not mute you people, okay? Okay. So, yes. Answer Dana. Okay. Violent actions against an established government or ruler. Revolt. So, dear one, are first letter of the word. Revolt is violent actions against an established government or ruler. Next one. The crime of betraying one's own country. The crime, wo jurm of betraying. Betray means vishwasghat, dhokha. One's own country. जो करवा रही हूँ आपको वो करना चाहिए. आप बीच में से क्यों सवाल करती हैं? क्वेश्चन आंसर्स आपको मैंने कहा कि क्वेश्चन आंसर आप कीजिएगा. मैंने कहा ऐसा बात. ये जो मैं पूछ रही हूँ वो क्वेश्चन आंसर नहीं है तो क्या है? आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द चैप्टर. आपसे पीछे का क्वेश्चन लिख लेते हो, कॉपी की शोभा बढ़ा लेते हो और की जरूरत भी कुछ लोग नहीं महसूस करते हैं. आपने वो कहावत सुनी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. तो ये जो वन वर्ड आंसर्स हैं, इस वन वर्ड से आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाता है. आप उससे बहुत बहुत सारे आंसर्स के रिप्लाई दे सकते हो. आने दीजिए, 10:45 मिनट स्टार्ट किए हैं. आप मैं सबको म्यूट कर दी. तो फिर आंसर कैसे दोगे? ओके ठीक है. ठीक. द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वन्स ओन कंट्री. क्लू है टी से, वर्ड है टी से. ट्रीजन. 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 वेरी गुड. टी आर ई एस ओ एन. अपने देश के साथ अगर बिट्रे किया जाए तो वो क्या है? वो एक जुर्म है. दैट इज कॉल्ड ट्रीजन. नेक्स्ट. एन एनेक्शनिस्ट. एन एनेक्शनिस्ट कौन होंगे? बी डलहौजी. 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 एन एनेक्शनिस्ट लॉर्ड डलहौजी. नेक्स्ट. Yes. Next. बहादुर शाह. अच्छा उनको एनेक्शनिस्ट क्यों बोला गया? एनेक्स स्टेट्स ऑन द नेम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ओके दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एनेक्शनिस्ट. ओके अच्छा. नेक्स्ट. बहादुर शाह जफर वॉज एक्साइल्ड टू रंगून. वेरी. बहादुर शाह जफर वॉज एक्साइल्ड टू रंगून. आर ए एन जी डबल ओ एन. नेक्स्ट. नेक्स्ट.
a hero of the revolt of 1857 belonged to Barakpur. Mangal Pandey. Mangal Pandey. Very good. Mangal Pandey. अच्छा स्पेलिंग बोलो M A N D A N D A N D A N D A N D A N D A Y. Very good, very good. Next, a judicial court. A judicial court for trying member services accused for offenses against military law. जुडिशियल कोर्ट जहाँ की ट्रायल होती है, जो कि मेंबर है आर्म सर्विस के मेंबर मींस आर्मी में जो है एक्यूज्ड अगर गलती करते हैं फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट कैंटोनमेंट कोर्ट मार्शल कैंटोनमेंट में तो वेयर दे सोल्जर्स रिसाइड दैट इज कैंटोनमेंट. यहाँ पे होगा कोर्ट मार्शल. कोर्ट मार्शल क्या है, जहाँ पे कि मेंबर ऑफ आर्म सर्विस मींस कि सोल्जर्स को अक्यूज्ड फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मिलिट्री लॉ, जो मिलिट्री जो कानून तोड़े उनको सजा दी जाती है, दैट इज कोर्ट मार्शल. नेक्स्ट, मनी दैट बाय अ गवर्नमेंट. ये मैं आप लोग को पोस्ट कर दूंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्नैप होमवर्क में भी और ग्रुप में भी, ठीक है? डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड ऑल द मिडिल क्वेश्चंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द चैप्टर in your group and in snap homework also. Next, weapons of the British were dash. Sophisticated. Very good. ये जो मैं कर रही हूँ, क्या इससे आपके word power बढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. अब ये sophisticated आपको याद रह गया, it means कि आपने बड़े ध्यान से सुना chapter को. अच्छा, जो बच्चे अभी कह रही थी मैम क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, उसे क्या लग रहा है? उसे लग रहा है कि मैम बेकार समय बर्बाद कर रही है, ऐसा है क्या? नहीं ना बाबू, नहीं ना. हाँ, आपको जानना है ना, बार बार आप तो अपने से पढ़ते नहीं हो, रीडिंग डालने की हैबिट नहीं है, तो मैं ही क्यों ना आप लोग से 2 बार 3 बार 4 बार रिविजन करवा लूं कि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए. नेक्स्ट, ब्रिटिश आर्मी वॉज डैश डिसिप्लिन. वेरी गुड, बहुत अच्छा. ब्रिटिश आर्मी, और एक वर्ड अगर हम ओ से देते तो क्या होता? ओ फॉर ब्रिटिश आर्मी. Organized, very good. British army was organized and disciplined. Very good answer, very good. Next, a rank of non-commissioned officer in the army. Sergeant. ये एक rank है, ये मैं कल बताई थी पढ़ाते. Sergeant एक rank है. Next, this rifle was the immediate cause of the revolt. Enfield rifle. क्या नाम था? Enfield rifle. Very good. अब जल्दी से ये picture पहचानो, जल्दी से बोलो ये कौन है? Queen Victoria. Very good. अच्छा, जल्दी से ये बताओ, मंगल पांडे. यू रिकॉग्नाइज द हीरो एंड हीरोइन
of the revolt of 1857. ये लोग कौन है? They are the heroes and heroines of the revolt of 1857. Okay, अच्छा. Next बताइए. There was dash. फिर से पढ़ रही हूँ. There was dash clue है D between Indian and British soldiers. Difference के अलावा एक किसी ने कुछ कहा? Discrimination. Very good. Discrimination. There was discrimination between Indian and British soldiers. ठीक है? Indians were not allowed to dash in the first class train compartments. Travel. Very good. Indians travel. Were not allowed to travel in the first class train compartments. Very good. Next. Cartridges were greased with the fat of dash and dash. Cow and pigs. Cows and pigs. Next. Whenever any princely states annexed, British got dash land. Rent free land. जब भी कोई स्टेट एनेक्स हो जाता था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था, तो ब्रिटिश को एक मुफ्त की जमीन मिल जाती थी, जिस जमीन के लिए उनको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती थी, जिस जमीन को उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। तो कैसी जमीन मिलती थी? रेंट फ्री लैंड। हाँ, यस। नेक्स्ट, द रिवोल्ट वॉज द आउटकम ऑफ widespread dash of peasants, princes, kings, and soldiers. Resentment. Okay. अच्छा, resentment meaning मैंने दो synonym बताया था, जल्दी बताओ. Dissatisfaction. और another one. Anger. Very good. May I know the name of the student, the girl who is giving so many answers? कौन बता रहे हो बाबू? नाम बताओ. कौन आप इतने आंसर्स दे रहे हैं? आपका क्या नाम है? अनन्या. और कोई है? कौन है? अन्वेषा. अनन्या, श्रेजा. वेरी गुड. आज श्रेजा लोग की आवाज कुछ अलग अलग लग रही है. अच्छा, चलो नेक्स्ट. Social reforms by the British were considered an dash in the custom and tradition of interference. ये लड़का कौन है? आशुतोष कुमार किस सेक्शन के हो? ओके, वेरी गुड आशुतोष, वेरी गुड. फिर से बोल देती हूँ, कुछ लोग अगर नहीं सुन पाए हैं तो. Social reforms by the British and interference in the customs and traditions of Hindus. अच्छा, may I want to know that which social reforms means which evils were eradicated from our society? Sati system and child marriage. And introduction of what they thought that railway. Okay, very good. Now next question. British considered themselves as superiors. The epicenter of revolt. Delhi was the epicenter of the revolt. Next,
after general was given the title viceroy viceroy now match the following side rani lakshmibai jhansi hazrat mahal abad abad nana sahab kanpur Kuwar Singh? Bihar. Gwalior. Gwalior. Okay. Now, an unfair treatment against a person or a group of people was known as Racial discrimination. Racial discrimination. Yesterday I gave you to learn question political cause. Causes of the revolt. How many of you have learned it? Ma'am, I learned earlier. ओके और कोई बच्चा लर्न किया है अगर किया है तो पांच पॉइंट बता दीजिए जल्दी से एक एक करके अच्छा मैं बारी बारी से पूछती हूँ श्रेजा आप सोशल बताइए सोशल कॉज The reforms by the British made the Indian people feel that they were interfering in their customs and beliefs. ओके सी सेक्शन से कोई जल्दी से बताइए एक रिलीजियस कॉज अगर सी सेक्शन इज नॉट एबल तो जी सेक्शन से बताइए देख के नहीं फटाफट आंसर दीजिए समझ लीजिए कि बजर राउंड है बजर राउंड फट से बजर बजाइए और जल्दी से जवाब दे दीजिए No, this is the immediate cause. This is not a religious cause. Ma'am, batao. Don't mix. Yes. Batao. Ma'am, they thought that traveling across the seas will cause them to lose their caste. Very good. Overseas, thinking as what? To lose their caste. And British impose it. For the new soldiers, they had to... cross the sea okay political cause abhi sreja ne bolegi abhi abhishek 8b ka koi bol raha tha koi 8b ka jaldi se bachcha batao mam kya ha mam kya batana political cause jaldi se bata do dekhna nahi hai babu maine to learn karne diya tha aap homework kyon nahi dekhe आपको होमवर्क देखना था ना अब तो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं तो वी विल डू हम लोग इसी तरह से याद करेंगे ना जल्दी जल्दी बोलेंगे कल हम लोग का डिबेट होगा जो मैंने दिया था कुछ बच्चों ने मेरे पास ऑडियो भेजा है तो वी विल यहीं पे आपको पांच दो दो मिनट का समय दिया जाएगा आप लोग उसको बारी बारी से बोलोगे ठीक है अच्छा लगेगा ना ये रिकॉर्डिंग होगा लोग देखेंगे हमारे स्कूल के बच्चे इतने अच्छे से बोलते हैं चलिए बताइए जल्दी बताइए पॉलिटिकल कॉज जल्दी शैल भी बता दो अविका 8G अविका अविका जल्दी बताओ पॉलिटिकल कॉज वन पॉलिटिकल कॉज लखनऊ एंड ग्वालियर एंड अदर प्लेसेस नैरो एंबिशन ऑफ पावर और मनी रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज म्यूट देमसेल्व्स रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज इफ आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू देन हाउ कैन यू रिप्लाई So rest of the people mute themselves and the person who want to share his or her view, he will unmute herself. He or she will mute herself or himself. Okay, Avika, फिर से बोलो तू repeat it. The common people of Delhi, Lucknow, Gwalior and
and other places had no narrow ambitions of power or money. Political cause Radhika ne bilkul galat bataya. Maine do cause bataya tha. One is related to Lord Wellesley. So Lord Dalhousie का क्या था policy of doctrine of lapse. तो आपको बताना था political cause में कि the policy of annexation made the kings and nawabs very much dissatisfied. They were angry. In the same way, the policy of subsidiary alliance, so many states were, kings were the victim of this policy. So this was the cause of the revolt also. Ye tha political cause. Next, now I want to, now somebody say, इकोनॉमिक कॉज बोलो श्रेजा तुम ही बोलो इकोनॉमिक कॉज ब्रिटिशर्स ऑर्डर देम टू ग्रो क्रॉप्स यस 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 वेरी गुड ब्रिटिश फोर्स टू ग्रो दोस ओनली व्हिच वर ग्रेट डिमांड इन यूरोप. So farmers were very much annoyed. Farmers were very much annoyed with the Britishers, and they revolt against them. Next, bolo. Military cause. The sepoys, the Indian soldiers, British soldiers, as the subedars were given less wages as compared to the new recruitments of British soldiers. Recruitment. Okay, very good, Sreja. You people take example from Sreja. सबको मैंने learn करने दिया. सिर्फ एक ही बच्चा इतने अच्छे से क्यों बोल रहा है? है ना? आप लोग. You people keep it in your mind that in class, in virtual class, ma'am will ask questions and we have to reply. ठीक है? चलो, अब बताओ immediate cause. किसी और को आता है? श्रेजा, एक second. किसी और को आता है immediate cause? Immediate तो जानते हो. अभी तुरंत तुम लोगों ने Enfield rifle की बात कही. जल्दी से बता दो. नहीं आता तो फिर श्रेजा विल रिप्लाई. प्लीज प्लीज स्टॉप. जिसने कार्ट्रिज से शुरू किया वो बच्चा बताओ. कार्ट्रिज यस बोलो. Ma'am, the cartridges of new Enfield rifle, which has been greased with paper cover, it has to be bitten off with mouths, and the cartridges were loaded into light rifle, and these are seized. क्या हो गया? This क्या हुआ? Hurt. This hurt the. जल्दी बताओ. The feeling. No, this hurt the religious feeling of both Hindu and Muslims. फिर से बोलो, फिर से repeat करो. This hurt the religious cause of both Hindu and Muslims. अब reason बताओ, अब reason बताओ. इसमें कई line तुम्हें याद हो जाएंगे. Because cow. एक की ये रहा फाइव मेन. देखो पेज 133 E2 डिस्क्राइब फाइव मेन कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसके आंसर पेज 130 ये रहा कॉज ऑफ द फेलर. नो नो ये तो कॉज है. ये तुम लोग एक क्वेश्चन लिख लो. व्हाट वेर द
the causes of the failure of the revolt. Understood? Yes, ma'am. Isme 1, 2, 3, 4, 5. These 5 points. आप छोटा छोटा बोलो. Yes, ma'am. खुद से. Everything is given here. देख लो. The uprising had been planned for months, but it broke out before the appointed date. हो गया. So it did not go according to the plan, as the revolutionaries failed to spread it beyond central India and Delhi. इस पॉइंट में बताओ, there was no unity among the rebels. No unity among the rebels. The sepoys of Bengal wanted to revive the glory of the Mughals, while Nana Sahab and Tatya Top tried to re-establish the Maratha power. And Rani Lakshmibai fought for her lost kingdom. Ho gaya. Yes, ma'am. Isme dekho, the rising was not widespread. It was limited to north and central India. Nijams and Sindhias didn't take part in revolt. Gurkha remained loyal to the British. Gurkhas remained loyal to the British. Ho gaya. The rebels could not match sophisticated and modern weapon and the disciplined army of the British. Ho gaya. Ek line. The leadership of revolt was neither strong nor gave direction to the rebels. Itna likh do, 5 marks mil jayega. Yes, ma'am. Any confusion? No, ma'am. Any no, confusion? Ma'am. Okay. No, ma'am. Ab meri baat dhyan se suno. मेरी बात ध्यान से सुनो. ये क्वेश्चन था, व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ द फेलर ऑफ द रिवोल्ट. फेलर से रिलेटेड क्वेश्चन था. अभी तुरंत मैं फेलर से रिलेटेड एक अलग क्वेश्चन दिखा रही हूँ. पेज 133, क्वेश्चन नंबर E4. फिर देखो, Why did the first war of independence fail? Fail. In spite of the participation of different sections of the society. Explain. ये भी fail से related ही question है. इस question में simply failure के reason पूछे गए थे, जो आपने जवाब दिए. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों फेल हुआ जबकि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी पार्टिसिपेट किए थे. इसके आंसर इसी में आपको मिलेंगे. ये सेकंड पैरा में देख लो, ये है E4. इसके आंसर यहाँ मिलेंगे. ये पैरा आपको पूरा कहने होंगे, पूरा कहना होगा. जितना मैंने टिक करवाया था, देयर वॉज नो यूनिटी अमॉन्ग द रिपल्स. The sepoys of Bengal wanted to revive the glory of the Mughals, while Nana Sahab and Tatya Top tried to re-establish the Marathas' power, and Rani Lakshmibai fought for her lost kingdom of different. देखो ना different sections हो गए ना. Different sections में हो जाएगा कि different sections में हो गया कि farmer लोग participate किए. Kings and Nawabs dissatisfied थे, soldiers dissatisfied थे, different sections dissatisfied थे, और कुछ कुछ लोग participate भी किए थे, उसके बावजूद fail किया हुआ. तो common ideology नहीं थी. ये line बोल सकते हो, जो अच्छा बच्चा है वो ये line भी बोल देगा. The ideas of nationalism had not yet developed among the rebel. देखो, एक point, ये दो point, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट और एक 5. ये पूरा पहले ही बोली थी कि पूरा पैरा बोल दो. यहाँ 5 लाइन है, 5 पॉइंट है E4 का आंसर. तो यही 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एक E4 और एक मैंने जो लिखवाया व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फेलर ऑफ रिवोल्ट. एक ही दिन में दोनों लर्न करोगे, तो दोनों क्वेश्चंस में जो लिटिल बिट डिफरेंस है आपको
आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आप अच्छे से इसको बता सको। ठीक है मैम, जरा E4 का पूरा आंसर दिखा दो। हाँ, एक E4, ये सेकंड पैरा पूरा, आपको 5 पॉइंट याद करने हैं, और एक जो पहले मैंने ब्रैकेट करवाया पूरे पूरे पूरे, ये कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, तो ये 2 questions मैं अभी स्नैप पोस्ट कर देती हूँ और व्हाट्सएप में भी डाल दूंगी। बस 4 मिनट बाकी, रोज बिना कुछ बोलने से पहले ही टाइम लिमिट खत्म हो जाते हैं और वीडियो ऑफ हो जाता है, जो भी है। तो आज मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि 4 मिनट बाकी खत्म होने वाला है, तो पहले ही बता दी कि ये होमवर्क है। और इसके बाद मैं कल आपको फिर से मैप लाना है और मैप वर्क करने हैं। लास्ट में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस लिखवाऊंगी, बिकॉज दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर पोर्शन। तो अभी आपको कई मैप वर्क से रिलेटेड क्लासेस होंगे। ये चैप्टर नंबर 10, आई थिंक यस, चैप्टर नंबर 10, कोलोनियलिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज। यू हैव टू अगेन ब्रिंग 1 political map of India. आप लोग रेडी रहना कल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेकर। कल मैं इस चैप्टर के मैप बताने के बाद आपको बताएंगे हम चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 3 के मैप करेंगे। तो उसके लिए एक वर्ल्ड मैप भी रेडी रखना। चैप्टर नंबर 3, नेचुरल रिसोर्सेस, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके लिए 1 world map यू पीपल रेडी रखोगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कल जिसके पास नहीं था मैप उसको कोई तकलीफ हुई? मैंने जो बैक कैमरा से दिखाया आपको, आपने सब देखा, आपके समझ सब आई? तो मैं खुद एक मैप लेकर बैठूंगी, एक पेंसिल लेकर बैठूंगी और उसके आंसर्स मैप में बताती जाऊंगी। ठीक है मैम? yes, तो ये 2 मैप डिस्कशन होगा, 1 world map एंड 1 political map ऑफ इंडिया।